नाहन विधानसभा क्षेत्र के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के मकसद से इस वर्ष 1 लाख नींबू के पौधे किसानों में वितरित किए जाएंगे। इसके एवज में किसानों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि नींबू एक ऐसा पौधा है जिसे जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वहीं इसके लिए अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती। नाहन विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर इलाका सिंचाई की सुविधा से वंचित है। किसानों को यहां वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के मकसद से यहां के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने बीते वर्ष से क्षेत्र के किसानों को नींबू के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया और कुछ क्षेत्रों में करीब 15,000 नींबू के पौधे वितरित किए गए थे। इसी कड़ी में प्रयास करते हुए किसानों को प्रोत्साहित करने के बाद इस वर्ष यहाँ 1 लाख नींबू के पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक नाहन विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों में अलग अलग दिन पौधे बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि नींबू एक ऐसा पौधा है जिसे जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और यदि किसान अगले 5 वर्ष तक इसी तरह नींबू के पौधे लगाते रहे तो निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि नींबू के पौधे के लिए अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। जिन इलाकों में किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उनके लिए नींबू की खेती अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। नाहन विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका बिना सिंचाई के है और हमारे किसान की आमदनी बहुत कम है। हमारे पास धाड़ी का इलाका है जहाँ केवल वर्षा का पानी होता है। हमारे पास ऐसे इलाके हैं जो खोड़ हैं, बरसात में पानी होता है, बाकी समय में पानी नहीं होता है, जंगलों के बीच के इलाके हैं। ऐसे में किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पिछले साल से एक प्रयास शुरू किया। पिछले साल 15,000 नींबू के पौधे किसानों में वितरित किए गए और इस पूरे वर्ष एक प्रयास किया कि लोग नींबू लगाने के प्रति पूरी तरह तैयार हो जाएं। जो उनकी बेकार पड़ी भूमि है उसको वो नींबू के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि नींबू के पौधे के ऊपर बंदर का और जंगली जानवर का असर नहीं होता है और ये हार्ड फ्रूट है, लंबे समय तक रोका जा सकता है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इस महीने हम लोग 1 लाख पौधे नींबू के और किसानों में वितरित करने वाले। 23, 24, 25, 26 और 27 जुलाई को ये पौधे अलग अलग पंचायतों में वितरित किए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, महिला मंडलों ने बहुत बड़ी मात्रा में मेहनत करके और लोगों को पौधे लगाने के लिए तैयार किया है, लिस्टें जमा की हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये 5 साल तक लगातार इसी प्रकार पौधे लगते जाएंगे तो हमारे किसान की आमदनी में इजाफा होगा और इलाके में बहबूदी आएगी। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।